Hello everybody and welcome to the channel. Namaste, and this is going to be Abhisha's reading quickly. तो हम देख लेते हैं कि अभिषा के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है अभी. Dear angels, we thank you so much for the guidance and blessings coming for Manisha and Abhishek for the relationship. What the fans can know, can we please know? Fences are down. फेंसेस, कुछ फेंसेस जैसी चीज हो रही है क्या उनके रिलेशनशिप में? पर्सनल पावर, ओके, पर्सनल पावर एंड द बाउंड्रीज. तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपने अपने पर्सनल पावर को टैप इन करने के लिए इनकी एनर्जी कुछ इस तरह की होगी कि पर्सनल पावर यहाँ पे स्टेक पे है. तो क्या आपने बाउंड्रीज डिफाइन किए हैं ताकि आप अपने पर्सनल पावर में रहें? इट इज सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल. सो हालांकि यहाँ पे जो कलर है सेक्रल चक्रा की का कलर है, बट यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि जो चक्रा जो एक्टिवेटेड है वो है सोलर प्लेक्सस. सोलर प्लेक्सस इज व्हाट? योर कॉन्फिडेंस. इट्स योर अर्ज टू, और इट्स योर एबिलिटी टू फील पावरफुल. इट्स योर एबिलिटी टू फील कॉन्फिडेंट. इट्स सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल, इस तरह की चीज़ है. तो पर्सनल पावर के लिए क्या हम यहाँ पे कुछ बाउंड्रीज डिफाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? चलिए अभी यहाँ पे हम डिटेल्स में बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं हमें स्पिरिट गाइज आपके इन फेवरेट कपल के बारे में क्या आपको बता सकते हैं. God's guardians, angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides, thank you so much for divine guidance and blessings coming for Abhishek and Manisha for their relationship. What the fans can know at the moment. Thank you so much, dear angels. And yes, we have the card. And we have the card. And we have the card. Back of the deck mein Wheel of Fortune. उल्टा है, यानी कि चीजें, मुझे जो एनर्जी फील हो रही है वो ये फील हो रही है कि चीजें बहुत स्मूथली मूव नहीं कर रही हैं. व्हील है, एंड इन सम वे इन अभिषेक एंड जिया रीडिंग आई वाज ड्रॉन टू एक्सप्लेन दिस होल व्हील थिंग का कॉन्सेप्ट आया था. इफ यू वांट यू कैन ऑलवेज वॉच इट. बट यहां पे देखिए, बैक ऑफ द डेक में व्हील का कॉन्सेप्ट आया है, और यहां से जो मैं मुझे फील हो रहा है, जो एनर्जी मैं पकड़ रही हूं, वो ये है कि चीजें स्मूथ फ्लो नहीं कर रही हैं. व्हील क्या होता है? चीजों को स्मूथली ग्लाइड करके आगे बढ़ा देता है. बट यहां पे क्या है, एक स्टक एनर्जी है. इट्स एज इफ द पुल यू नो पुर्जे जो हैं, नट एंड बोल्ट ना ऑयल्ड नहीं है अच्छे से. जब ऑयलिंग नहीं है तो व्हील अच्छे से मूव नहीं कर रही है. रिलेशनशिप की व्हील अटक गई है, ऐसा करके मुझे एक हैवी एनर्जी फील हो रही है. उस तरह से ऐसे खड़खड़ खड़खड़ कर करके जो मूव होता है उस तरह की लग रहा है, उस तरह का लग रहा है. क्यों लग रहा है? कि क्योंकि शायद कहीं पे डिफेंसेस ऑन है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पर्सनल पावर का कुछ सिचुएशन है, एंगल है, गेम है, क्या है पता नहीं है, बट इट लुक्स लाइक दैट. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों के बीच में, यहाँ पे तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन बना हुआ था, ठीक है, अभिषेक एंड मनीषा के बीच में यहाँ पे कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनी हुई है या फिर बनी हुई थी. अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक नाइट ऑफ वॉन्स जो है कुछ एक्शन ले रहा है. हम ये भी देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये एक्शन लेके शायद इसके पास जा रहा है या जा रही है. ये देखो, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, इट्स नॉट रियली नेसेसरी, कोई भी हो सकता है. बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई एक इंसान वरिड है या फिर दोनों ही वरिड हैं अपने रिलेशनशिप में. और यहाँ पे एक फास्ट मूवमेंट आ रहा है, एक फास्ट मूवमेंट है. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून उल्टा है, यानी कि एक स्टक एनर्जी है शायद रिलेशनशिप में. यस, एग्जैक्टली, एक स्टक एनर्जी है. बट इस स्टक एनर्जी से शायद बाहर मूव ऑन करने की भी कुछ इंटेंशन है, तो इसीलिए यहाँ पे एक्शन लिया जा रहा है. जो चीजें ठीक से नहीं चल रही हैं, रुक रुक के चल रही हैं, घर घर करके चल रही हैं, क्या है, ऑयलिंग नहीं है. तो यहाँ पे ही मुझे लग रहा है कि कोई चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए एक कदम बढ़ा रहा है, आगे बढ़ रहा है, इस तरह का एनर्जी मुझे लग रहा है. क्वाइट पॉसिबली यहाँ पे
फेंसेस को गिरा, जो एक बाउंड्री बन गई थी दोनों के बीच में, उसको गिराने की के तरफ पहल हो रहा है ये ऐसा लगता है, क्योंकि फेंसेस उल्टे हैं। बट यहाँ पे पर्सनल पावर भी है, तो यहाँ पे शायद जो एक दूसरे के बीच में जो बाउंड्रीज बन गई थी, अब ये बहुत ही ओपेक बाउंड्री नहीं है, अगर आप देखो तो ये एक एक करके ऐसा करके बाउंड्री है, एक तरफ से दूसरे तरफ देखा जा सकता है, तो ये हमें बता रहा है कि किस तरह की बाउंड्री उनके बीच में हो सकती थी कि होगी या है। तो इतना ओपेक स्टोनी बुलंद सद बैरियर नहीं है, बट फिर भी कुछ तो है, ठीक है। तो वो चीजें लग रही, लग रहा है वो सब चीज। यहाँ पे कोई एक स्टेप बढ़ा रहा है चीजों को हील करने की तरफ, ठीक है, मुझे तो ये दिख रहा है। पर पर्सनल पावर का भी है, पर्सनल पावर इज लाइक यू नो, क्योंकि मनीषा का रीडिंग अगर हम देखें तो वहां पे हमने बहुत बार मनीषा का रीडिंग जो सोलो हुआ था लास्ट वीक, वहां पे हमने कितनी बार ही पर्सनल बाउंड्री का बात किया था, राइट। तो पर्सनल बाउंड्री क्यों हमको डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि हम अपने आप को, अपनी नीड्स को सेफली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, हम अपने पावर में स्टेप इन नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि हमेशा दूसरों की चिंता रहती है। तो वहां पे कुछ पावर स्ट्रगल है, ओके, इन दोनों के बीच में वहां पे कुछ पावर स्ट्रगल डेफिनेटली है, और ये कुछ इस तरह की चीज है ना कि आपको करना पड़ रहा है, क्योंकि आप, क्योंकि आपको, यू आर नॉट नेचुरली गुड एट ड्रॉइंग द बाउंड्रीज, क्योंकि क्या होता है कि जब आप बाउंड्री डिफाइन करते हो, जब आप नो बोलते हो, तो आप खुद गिल्ट में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो इस तरह का एक सामंजस्य है ना, ये इस तरह का एक कश्मकश है, जहां पे आप अपने लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं और लेते हो तो स्ट्रेस में भी चले जाते हो, गिल्ट में चले जाते हो, इस तरह की कुछ चीजें हैं। तो कुछ ना कुछ पर्सनल पावर से रिलेटेड है, क्योंकि बाउंड्री आप डिफाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ही है कि आप बाउंड्री इसीलिए डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि यू वॉन्ट टू कीप थिंग्स, यहाँ का चीज अपने लिए रखना चाहते हो, बाहर की चीज बाहर के लिए रखना चाहते हो, बाहर का लोग कोई भी धड़ाम से आके अंदर नहीं आ सकता, यहाँ पे आपने फेंस ड्रॉ किया है, क्यों, क्योंकि वो आपका पर्सनल एरिया है। तो पर्सनल पावर स्ट्रगल भी चलता रहता है, बट यहाँ पे स्ट्रेस भी है, क्योंकि रिलेशनशिप में दोस्ती है, अपने हैं, तो वो चीज है। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक फास्ट मूवमेंट आ रहा है रिलेशनशिप में टूवर्ड्स यू नो गोइंग बैक टू एड्रेस द चिंता, जो कि रिलेशनशिप में चिंताजनक चीजें हो गई थी ना, तो उसको एड्रेस करने के लिए कोई पहल ले रहा है, शायद तो एक बंदा ले रहा है या बंदी ले रही है, या फिर दोनों ही ले सकते हैं। रिलेशनशिप की एनर्जी उस तरफ मूव कर रही है, हीलिंग के तरफ, और जब रिलेशनशिप को हीलिंग करने के लिए हम कर रहे हैं तो यस, क्या हो रहा है यहाँ पे, नाइन ऑफ वंड्स इन रिवर्स में आ रहा है ना, लेट्स टेक अ क्लैरिफायर फॉर द नाइन ऑफ वॉन्स इन रिवर्स एंड फाइंड आउट। क्वीन ऑफ सोर्ड इन रिवर्स में है, ओके, क्वीन इज स्टिल गेटिंग हर क्राउन, यहां पे क्वीन को क्राउन नहीं मिला है, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड कौन होती है, जो डेफिनेटली शी नोज हाउ टू ड्रॉ द बाउंड्री। ओ हाउ इंटरेस्टिंग, यहां पे देखो क्राउन है, यहां पे भी उसे क्राउन मिल रहा है, ओ सुपर इंटरेस्टिंग एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, देखो थ्री ऑफ कप्स, वाओ नाइस, ऑल राइट। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इंसाइट आया है, मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ गाइस। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यस स्ट्रेसफुल सिचुएशन, द पावर स्ट्रगल, यू नो योर नीड टू फील सेफ टू टेक डिसीजंस फॉर योर सेल्फ, बट यस व्हेन यू टेक द डिसीजन यू स्टार्ट फीलिंग गिल्टी, तो इस तरह की पावर स्ट्रगल्स दोनों के बीच में हो रहे हैं, बहुत ही ठोस नहीं है, बट फिर भी फेंसेस तो हैं वहां पे, स्टोनी ओपेक सा बाउंड्री नहीं है रिलेशनशिप में, बट फिर भी बाउंड्रीज तो है, पर ये बाउंड्रीज नीचे आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि क्योंकि बाउंड्रीज नीचे आ रहा है, तो कोई पहल हो रहा है, या फिर रिलेशनशिप में पहल हो रही है चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए, स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो बन गई है बाउंड्रीज पावर स्ट्रगल से, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है, किया जा रहा है, व्हील को स्मूथ ऑयलिंग करके आगे बढ़ाने की, डेफिनेटली अगर रिलेशनशिप है तो कोई भी चाहेगा कि रिलेशनशिप ठीक से स्मूथली मूव ऑन करते रहे, है ना। तो यहाँ पे जो लोग दोनों ही शायद डर गए थे कि भाई ये क्या हो रहा है, हम खुद पावर स्ट्रगल में क्यों आ गए हैं, बट देन अगेन इट इज ऑल अबाउट सर्वाइवल थिंग, राइट। अगर आप सेफ नहीं फील करेंगे किसी भी रिलेशनशिप में, आपको अगर नो बोलना है और आप हाँ बोलना पड़ता है, तो यू थिंक दिस इज
नॉट अ आइडियल रिलेशनशिप फॉर यू, क्योंकि आप अपने ना नहीं बोल पाते हैं. तो आप क्या करते हो, आप कन्नी काटते हो, आप बचते हो, आप बाउंड्रीज डिफाइन कर देते हैं बिना कुछ अच्छे से बताए हुए. तो जो भी है, यहाँ पे डेफिनेटली लग रहा है कि कोई जा रहा है चीज़ों को सुलझाने के लिए विद द इंटेंशन टू ब्रिंग बैक द गुड ओल्ड टाइम्स. ये बिफोर टैरो है, यानी कि अभी दोस्ती हुआ नहीं है, चीयर्स हुआ नहीं है, लेकिन एक इंटेंशन है एट द बैक ऑफ द डेक में है. तो इंटेंशन है कि फिर से हम एक घुलने मिलने की, जैसे फ्रेंड्स हुआ करते थे, एटलीस्ट फ्रेंड्स तो रहे, ठीक है, बाउंड्रीज तो जो भी है. इंटरेस्टिंगली ये ना, ये जो नाइन ऑफ वॉन्स रिवर्स में आया है, इसका मतलब है कि वी आर गेटिंग थोड़ा सा कंफर्टेबल, हमको थोड़ा स्पेस मिल रहा है टू सिट कंफर्टेबली, टू मानी कि हमको अपना सिकोड़ के नहीं रखना है चीज़ों को, हमें हमेशा दूसरों के लिए मार्टियर नहीं बनना है. इट इज़ ओके फॉर मी टू से नो एंड ऑल दैट इन रिलेशनशिप. तो क्योंकि ये उल्टा हो रहा है नाइन ऑफ वॉन्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई पुश टू द कॉर्नर था, अब उसको थोड़ा स्पेस दे रहा है ताकि वो ठीक से आराम से बैठ तो पाए. ये हम कैसे पता कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वीन ऑफ सोर्ड है उसे यहाँ पे उसका जो क्राउन है ना उसको वापस दिया जा रहा है. शी इज ऑल अबाउट टू वेयर हर क्राउन एंड दिस इज वेरी कॉन्सिपिक्यूअस बाय द वेरी फैक्ट कि यहाँ पे भी आप देख रहे हैं क्राउन है. तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि चीजों जो चीजें पर्सनल बाउंड्री को मेंटेन नहीं करने के मनीषा का और फिर गिल्टी हो जाने के कारण जो चीजें हो गई थी, एंड पीपल वर लाइक मे बी अभिषेक वॉज जजिंग हाँ कि क्यों ऐसे एंड ऑल दैट, तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, बन गई थी बाउंड्रीज. एंड एक बोलते ना कि जैसे कि बिना कुछ बात किए ही दूरी आ जाना, मनमुटाव टाइप का चीज है. तो वहां पे उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ ये बंदा जा रहा है, या फिर दोनों ही कोशिश कर रहे हैं हीलिंग करने की, और अदर स्ट्रेस, हाँ हीलिंग का भी कार्ड होता है वैसे, तो स्ट्रेस आउट करने के लिए विद द इंटेंशन कि वापस से जो दोस्ती थी हमारी बहुत अच्छी सी वो हो जाए. ये बिफोर टैरो है, अभी ये तीनों चीयर्स नहीं कर रहे हैं अपना कप लेके, तो वो वाला सिचुएशन था इनके रिलेशनशिप में, पर अभी ये कोशिश कर रहा है हीलिंग करके ये वाला सिचुएशन जो उनके रिलेशनशिप का था. दिस इज द इंटेंशन, इस इंटेंशन से ही ये बंदा आगे, या फिर ये नाइट ऑफ वॉन्स आगे बढ़ रहा है. तो जब ये आगे बढ़ रहा है विद द इंटेंशन टू गिव पावर, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड वो होती है जो अपने बाउंड्रीज को बहुत डिफाइन करने में शी इज एक्सपर्ट, शी इज बोल्ड, शी इज ब्रेव एंड शी इज ब्लंट, बी 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 है वो. तो उसको वापस कोई उसका क्राउन दे रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये बंदा वापस मनीषा को इज गिविंग स्पेस टू बी हर सेल्फ, अलाउिंग हर टू वेयर हर क्राउन. समझ रहे हो ना, यहाँ पे भी क्राउन मिल रहा है, यहाँ पे भी क्राउन आया है. तो मे बी ही इज गोइंग टू गिव हर बैक दैट स्पेस टू बी हर सेल्फ, टेक हर ओन डिसीजंस, वेयर हर क्राउन अगेन. और क्योंकि अगर आप किसी को क्राउन दे रहे हैं और ये कोई क्राउन, ये क्राउन वाली क्वीन है, तो शी हैज सम पावर्स. हम कोई क्राउन ऐसे ही नहीं पहनता है, कोई क्वीन है किंग है तो ही क्राउन पहनता है. एंड बाय द वर्च्यू ऑफ दे बीइंग क्वीन एंड किंग दे हैव सर्टेन पावर्स एंड दे एंड आप जब किसी को क्वीन बनाते हो, किंग बनाते हो, किसी को किसी का क्राउन वापस करते हो, तो आप कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस दिस इज द क्वीन, दिस इज द क्राउन. एंड एज अ क्वीन एंड अ क्राउन एंड एज अ किंग एंड अ क्वीन क्या कर सकते हो, किंग एंड क्वीन अपना डिसीजंस लेते हैं, वो किसी से पूछते नहीं है डिसीजन लेने के लिए, राइट, बिकॉज दे आर द किंग एंड द क्वीन. वो पूछेगा तो एम्परर से, हो सकता है कि अगर कोई एम्परर है तो पूछेगा, बट वेन यू आर गिविंग बैक द क्राउन इट मीन्स दैट यू आर गिविंग बैक द डिसीजन मेकिंग पावर टू दैट पर्सन. तो यहाँ पे किसी तरह की फेंसेस डाउन, क्राउन इज बैक, द पर्सन इज गेटिंग द क्राउन बैक, मे बी शी इज गेटिंग द क्राउन, हर डिसीजन टू बी हर सेल्फ, मेक हर ओन डिसीजंस एंड द फेंसेज आर कमिंग डाउन. तो ये इस तरह का गाइडेंस है, वेरी इंटरेस्टिंग इंडीड. अब मैं क्विकली जल्दी से कार्ड ले लेती हूँ दोनों के लिए. Dear angels, we thank you. और शायद ये सब चीज करने के बाद फिर इनकी चीजें स्मूथली फ्लो होने लगेंगी. सो dear angels, कैन वी प्लीज हैव अ गाइडेंस फॉर द गर्ल. लो सेल्फ इस्टीम आया है किसके लिए, मनीषा के लिए. क्यों? क्योंकि जब हमारा लो सेल्फ इस्टीम रहता है तभी हम अपने लिए डिसीजन लेने में क्या करते हैं, गिल्ट फील करते हैं. तो यहाँ पे नहीं तो क्या होता ना, वो बहुत ही अच्छे से डिसीजन ले लेगा कोई, और बोलेगा कि क्यों किसी को प्रॉब्लम होगा, यू कैन नॉट फिक्स एनी बॉडी. ठीक है, तो चलो अब हम बंदे के लिए गाइडेंस ले लेते हैं फॉर दिस रिलेशनशिप. यस वी हैव द कार्ड सरेंडर टू मिराकल्स, क्योंकि ये बंदा शायद कहीं ना कहीं ये चीजों को हील करने शायद जा रहा है, पर उसको पता नहीं चल रहा होगा कि ये हील होगा कि नहीं होगा. बट यहाँ पे इंटेंशन क्या है कि चीजें वापस जैसे थी पहले वैसे हो जाएं.
बट यहाँ पे उसको बोला जा रहा है जब तुम स्टेप ले रहे हो तो पूरे फेथ के साथ जाओ कि मिराकल्स कैन हैपन, दैट शुड बी द इंटेंशन, दैट शुड बी द फोकस. तो ये उसको बोला जा रहा है. ठीक है, हमको एडिक्टेड वे में किसी चीज के बारे में नहीं सोना है. जस्ट डू योर वर्क एंड फॉरगेट इट एंड सरेंडर टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ इट. ठीक है ना, उसी पे फिक्स्ड नहीं हो जाना है कि क्यों नहीं ठीक हो रहा है, मैं तो ठीक करने गया था या जो भी है व्हाटएवर. अब बंदी के लिए हम गाइडेंस एक ले लेंगे फॉर दिस रिलेशनशिप. लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. हैव फेथ है ये कि चीजें ठीक हो जाएंगी. बैक ऑफ द डेक में ट्रेजर चेस्ट है और ये बंदे के लिए देखते हैं कि क्या होता है. हेल्पफुल पर्सन, ओके गुड. तो हेल्पफुल पर्सन में आप देख ही रहे हो ना कि यहाँ पे जो ये इमेजिन कर रहा है, ये तीन लोग हैं यहाँ पे, यानी कि एक जो टीम होगी, एक जो ग्रुप होगा इनका, एक मंडली होगी जहाँ पे अच्छा गुड टाइम्स होता था. तो शायद इसी का कोई इंसान आके इसको हेल्प करे इस दोनों के रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट करने में. तो कोई हेल्पफुल इंसान मिल जाएगा क्योंकि ये चाहता भी है कि हेल्पफुल चीजें ठीक हो जाएं. तभी यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है आगे बढ़ के पीछे जाके चीजों को सॉर्ट आउट करने की. ठीक है ना, और इम्पॉर्टेंटली कौन सी एनर्जी है कि क्वीन ऑफ सोर्ड को वापस उसका क्राउन दिया जा रहा है. यहाँ पे देखिए, क्राउन इज द थीम ऑफ दिस रीडिंग बाय द वेरी फैक्ट. पर्सनल पावर, एक पर्सनल स्ट्रगल जो दोनों में चल रहा था, विच द कार्ड इज टेलिंग क्लियरली. यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड को उसका क्राउन मिल रहा है. यू आर अकॉर्डिंग दैट पावर बैक टू द क्वीन एंड शी डजंट हैज टू फील गिल्टी फॉर टेकिंग डिसीजन फॉर हर सेल्फ. क्यू? बिकॉज क्वीन्स विल टेक डिसीजन, क्योंकि राजा रानी तो डिसीजन लेते ही है ना, वो थोड़े थोड़े ना किसी से पूछेंगे. सो दिस इज वॉट इट इज. सो आई होप दैट दिस गाइडेंस रियली हेल्प्स यू, एंड इफ दिस हेल्प्स यू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. बाय फॉर नाउ.